स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। पिछले क्लास में हमने बहुत चीजें भी सीखी थी, मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन दिया था कि आप लोग उसको कीजिए। अगर आपसे वह क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, आपसे क्वेश्चन का हल नहीं हो पा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को हमें कमेंट के द्वारा बताइए, मैं फिर से उस क्वेश्चन को बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। अगर आपको ऑर्गेनिक के कंसेप्ट में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, ऑर्गेनिक के कंसेप्ट में कहीं आपको दिक्कत हो रही है, तो मेरा वीडियो 11th क्लास का भी ऑर्गेनिक यूट्यूब पे आ चुका है, कोचिंग की वेबसाइट पे आ चुका है, आप वहां पे जाके सर्च करके और मेरा लेक्चर देख सकते हो और वहां से कंसेप्ट प्राप्त आप कर सकते हो। तो 11th का भी सेम यही प्रोसेस है, आपको लॉगिन करना है, लेक्चर आपको मिल जाएंगे। पैनल कोचिंग के नाम से आपको यूट्यूब पे सर्च लगाना है, क्लिक करना है, वहां भी 11th का जो भी लेक्चर है, मेरा जो भी पढ़ाया हुआ लेक्चर है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर जिसको प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसको जहां भी 12th में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा लेक्चर वहां से देख के आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करेंगे 12th केमिस्ट्री का। 12th केमिस्ट्री में हमने देखा था डी एजोटाइजेशन, क्या देखा था स्टूडेंट, डी एजोटाइजेशन, डायजोनीकरण क्या होता है। फिर उसमें हमारे पास तीन रिएक्शन आया था जो डी एजोटाइजेशन का मेनली एप्लीकेशन था, एक उसका उदाहरण था, उपयोग था। उसमें पहला रिएक्शन था अपने पास सैंडमेयर्स रिएक्शन, जो हम लोगों ने देखा था, यह रिएक्शन जो है वह क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में हो रहा था। दूसरा रिएक्शन था हमारे पास गैटरमैन रिएक्शन, जो कॉपर पाउडर के साथ हो रहा था, इससे भी हमें प्राप्त हो रहा था बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और थर्ड एंड लास्ट रिएक्शन जो था डीएजोटाइजेशन के अंदर, वह था बाल्ज सीमैन रिएक्शन, जिससे हमें प्राप्त हो रहा था फ्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त हो रहा था? फ्लोरोबेंजीन। अब मैंने एक कल क्वेश्चन दिया था आपको, कल आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने पिछले क्लास में, कि आपको ए बी सी डी का पहचान करना था। क्या करना था? ए बी सी डी का पहचान करना था। क्वेश्चन कुछ इस तरह था, एनओ टू इसका रिडक्शन हो रहा था SN और NI की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिल रहा था? A, ठीक है। फिर अगर इसका हम इसका डी एजोटाइजेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? डी एजोटाइजेशन, तो हमें मिल रहा था B, क्या मिल रहा था? B। और फिर इसका हमने क्यूप्रस हाइलाइट के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमें मिल रहा था सी, ठीक है। तो सिंपल सा इसका उदाहरण है, यहाँ पे यह रिड्यूस होके क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा, यानी A बराबर अपने पास क्या हो जाएगा? A बराबर अपने पास हो जाएगा NH2, या A का वैल्यू हो गया। B बराबर हमारे पास क्या बन के आ जाएगा स्टूडेंट? B बराबर जब ये डी एजोटाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा? BDC, यानी N2 और क्या? Cl। फिर C बराबर हमारे पास हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। आ रहा है बात समझ में? तो ये हमारे क्या हो गए? तीनों के तीनों आंसर हो गए, पहचान हो गए। साधारण सा क्वेश्चन था, आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं और बहुत अच्छे नंबर भी देके जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इसी थ्योरी में आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लिया जाए प्रिपरेशन के अंदर। प्रिपरेशन में हमने अभी देखा जो हमारे पास पहला था एल्कोहल से हमने एराइल अल्काइल हैलाइड बनाया था, दूसरा था डी एजोटाइजेशन के द्वारा हमने एराइल हैलाइड बनाया था। अब उसी में चलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन में ही हेडिंग डाल लिया जाए
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। अब इसमें हमने हाइड्रोकार्बन के अंदर पहला जो हमारे पास मेथड था अल्काइल या एराइल हैलाइड बनाने का, वह पहला जो हमारे पास मेथड था वह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा जो हमारे पास मेथड था वह था डीएजुटाइजेशन। क्या था स्टूडेंट? डीएजुटाइजेशन। और थर्ड जो था वह हमारे पास है, थर्ड है हमारे पास, इसका नाम दे दिया जाए सी। क्या नाम दे दिया जाए? सी। सी में जो है हमारे पास वह है इलेक्ट्रोफिलिक। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं, बाई बाई इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा हम बना रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। अब देखिए, अब हमने बता दिया था पहले इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के अंदर कि एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, प्रतिस्थापन होता क्या है। तो प्रतिस्थापन मतलब क्या? एक जगह पे दूसरे का आ जाना, रिप्लेसमेंट होना। जैसे मान लीजिए मैंने वहां पे एक एग्जांपल भी बता रखी थी आप लोगों को कि मान लीजिए कोई गेम हो रहा है, सपोज दैट क्रिकेट हो रहा है, अगर कोई फील्डर वहां पे इंजर्ड हो जाता है तो दूसरे प्लेयर जो आता है वह किसके तौर पे आता है? एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे आता है, एक प्रतिस्थापन के तौर पे आता है। यानी एक के जगह पे दूसरे का आ जाना, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। लेकिन यहां पे एक नया टर्म हम लोगों को मिला है, इलेक्ट्रोफिलिक। क्या मिला है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोफिलिक। अब देखिए, इलेक्ट्रो एक सिंपल सा वर्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन।
क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज रहता है स्टूडेंट? निगेटिव चार्ज। अब यहां पे एक और शब्द मिला है फिलिक। क्या मिला है? फिलिक। अब देखिए फिलिक जो है यह फिलिया से बना है। कौन से शब्द से बना है? फिलिया, जिसका अर्थ होता है टू लव या लविंग। क्या अर्थ होता है? लविंग स्नेह। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नेही। ठीक है, तो यहीं से हम इसके डेफिनेशन को बता सकते हैं, इसके जो परिभाषा है उसको हम बता सकते हैं, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन से प्रीति हो। अरे थोड़ा सा बात समझ में, जिसको क्या हो? इलेक्ट्रॉन से प्रीति हो उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। लेकिन यहां पे एक कंप्लीट हमारे पास सेंटेंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो किसी इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण के द्वारा संपन्न होता है। यानी क्या होता है? कोई भी रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वह क्या करता है? अटैक करता है। क्या चीज के लिए? रिएक्शन के लिए। तो वैसे और रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे थोड़ा सा बात समझ में, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण के द्वारा संपन्न होता है उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। मैं इसका डेफिनेशन देख रहा हूं, इसका डेफिनेशन आपको देना है। तो वैसी प्रतिस्थापन वैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो किसी इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण के द्वारा संपन्न होता है तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है ऐसे भी, और उसके ऊपर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है अरे बात समझ में, यानी वैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो किसी इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण के द्वारा संपन्न होता है उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अरे बात समझ में। अब यहां पे हमें समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। क्या समझना है? इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इसमें एक चीज को हमने समझ लिया है, इसमें जो है एक चीज तो हमने समझ लिया है कि प्रतिस्थापन क्या है। क्या समझ लिया हम लोगों ने? कि प्रतिस्थापन क्या है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको इन शॉर्ट में देखते हैं। इस चीज को आप लिख लीजिए पहले,
हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए अटैकिंग रिएजेंट जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट के जो है दो टाइप होते हैं। पहला एक में होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। अब जिसको इलेक्ट्रॉन से प्रीति हो उसे इलेक्ट्रोफाइल, जिसे न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज के साथ एफिनिटी हो उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। अब मान लीजिए सपोज दैट थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को। मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास यह है क्या है एटम, क्या है एटम, यह जो है अपने पास है क्या है एटम, कोई परमाणु है और इसमें जो है यह होता है न्यूक्लियस और इसमें रहता है पॉजिटिव चार्ज, यह क्या कहलाता है न्यूक्लियस। इस पे कौन सा चार्ज रहता है पॉजिटिव चार्ज और यह होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल और इस पे कौन सा चार्ज रहता है नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो यहां से हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल का और न्यूक्लियोफाइल का, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन से प्रीति हो, जिसका जो स्नेह है वो अगर इलेक्ट्रॉन से है तो वह कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, जिसका अट्रैक्शन जो है वह अगर न्यूक्लियस से है तो वह कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। यानी देखिए जिसका एफिनिटी जो है, एफिनिटी मतलब क्या अट्रैक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन से है, जिसका एफिनिटी जो है अगर इलेक्ट्रॉन से है तो वह लीड्स करता है इलेक्ट्रोफाइल की ओर, जिसका एफिनिटी जो है वह अगर न्यूक्लियस की ओर है, जिसका स्नेह न्यूक्लियस के प्रति है वह कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वह वहीं पे अटैक करेगा जहां पे कौन सा चार्ज हो, जहां पे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल जो है वह वहीं पे अटैक करेगा जहां पे कौन सा चार्ज हो निगेटिव चार्ज हो, यानी पॉजिटिव कहां अटैक करेगा निगेटिव के ऊपर, चूंकि यह क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, यह है इलेक्ट्रोफाइल, जबकि निगेटिव जो है वह अगर अटैक कर रहा है पॉजिटिव के ऊपर तो वह क्या है न्यूक्लियोफाइल। यानी जिसका अट्रैक्शन निगेटिव चार्ज की ओर हो वह कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल, जिसका एफिनिटी पॉजिटिव चार्ज की ओर हो वह कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। ये लिख लिया आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसका ऑर्गेनिक के 12th के ऑर्गेनिक के पूरे चैप्टर में आपका इसका यूज मिलेगा, बार बार आपसे ये बोला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो वहां पे आपका कंसेप्ट जो है वह क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है न्यूक्लियोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है, यानी जिसका एफिनिटी मतलब क्या होता है स्नेह लव प्रीति, जिसका एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की ओर हो, यानी जिसका एफिनिटी किसके तरफ हो इलेक्ट्रॉन की ओर हो, यानी इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है निगेटिव चार्ज,
तो यह कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल। अब जिसका एफिनिटी न्यूक्लियस की ओर हो, यानी कौन से चार्ज की ओर? पॉजिटिव चार्ज की ओर, वह कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। आ रहा है थोड़ा सा बात समझ में? अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इस डायग्राम को आप बना लीजिए। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, आगे बढ़ा जाए या फिर से देखा जाए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और समझते हैं इसको। देखिए, जिसका अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की ओर हो, यानी निगेटिव चार्ज के प्रति हो, वह कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। जिसका अट्रैक्शन जो है, जिसका खिंचाव जो है वह न्यूक्लियस की ओर हो, यानी पॉजिटिव चार्ज की ओर हो, वह कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। अरे बात समझ में? एक और डेफिनेशन, जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता हो, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता हो, वह कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। और जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता हो, रिलीज करने की क्षमता हो, वह कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है और इसके कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यह क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है और यह अटैक कर रहा है बी के ऊपर, और बी पे दो इलेक्ट्रॉन है और कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। तो यहां पे यह जो इलेक्ट्रोफाइल है कहां अटैक कर रहा है? निगेटिव चार्ज के ऊपर, जहां दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है? उपस्थित है। यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसके? इसको दो इलेक्ट्रॉन का, और वह दोनों इलेक्ट्रॉन कहां है? बी के पास है। तो ये तुरंत इस पर अटैक करेगा क्या चीज के लिए? रिएक्शन के लिए, और एक बॉन्ड बना लेगा ए, और बॉन्ड क्या बन जाएगा? बी। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वह वहीं पे अटैक करेगा जहां दो लोन पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन रहे, यानी यह हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता है। जबकि मान लीजिए, सपोज दैट हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल NU और इस पर है निगेटिव चार्ज और इस पर दो इलेक्ट्रॉन है, फिर यह अटैक कर रहा है बी पर जहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो। जहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो। क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या है? पहले से इलेक्ट्रॉन है, और उतना इलेक्ट्रॉन है जिसके द्वारा यह बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल जो है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है, वह वहीं पे अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जबकि इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो? ज्यादती, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता। यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एंड न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। देखा जाए यहां पे क्या है? यह इलेक्ट्रॉन के मामले में क्या है? धनी है। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और यह दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना सकता है। लेकिन यहां पे देखा जाए, कोई लोन इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। यह पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया है। तो यह बॉन्ड कब बना सकता है? जब सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और कम से कम उतना इलेक्ट्रॉन हो जिसके द्वारा एक बॉन्ड बनाया जा सके। तो यहां पे देखा जाए, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है क्या? न्यूक्लियोफाइल के पास है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो।
तो यह तुरंत इस पे अटैक करेगा और एक बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। तो ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आपको 11th क्लास में मिलता है। ठीक है बेटा, आज ये जो डायग्राम है इसको आप हमेशा याद रखेंगे, आपको हमेशा इसका डेफिनेशन कहीं पे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं से बता सकते हो जिसका एफिनिटी, जिसका अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की ओर हो इलेक्ट्रोफाइल, जिसका इलेक्ट्रो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ हो यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो वह कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है क्या, इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन क्या है, इसके थोड़े से प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, फिर जब हम लोग आगे देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां SN1 रिएक्शन मिलेगा SN2 रिएक्शन मिलेगा, तो वहां पे मैं थोड़ा सा डिक्टेट करूंगा न्यूक्लियोफाइल को, फिलहाल हमें बात करना है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। किसके बारे में बात करना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन स्नेह। ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है। तो वैसे समूह जिसे इलेक्ट्रॉन से प्रीति हो वैसे समूह जिसे इलेक्ट्रॉन से प्रीति हो इलेक्ट्रॉन से प्रीति हो तथा जिसमें जिसे इलेक्ट्रॉन से प्रीति हो तथा जिसमें बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता हो तो उसे इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है यह डेफिनेशन किसका है, इलेक्ट्रोफाइल का, यानी वैसा समूह जिसे इलेक्ट्रॉन से प्रीति हो। इलेक्ट्रॉन से प्रीति कहने का क्या मतलब है, यानी जिसका जो अट्रैक्शन है, जिसका जो एफिनिटी है वह निगेटिव चार्ज की ओर हो उसे इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। फिर इससे आगे मैंने एक चीज और लिखी है, जिसमें बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, जिसमें बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो बंधित इलेक्ट्रॉन है, बाउंडेड मतलब क्या, बंधा हुआ,
पेयर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है सी एच एच और यहां भी क्या है एच, और यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, क्या है पॉजिटिव चार्ज यानी सी एच थ्री प्लस। तो यह एक क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अब देखिए यह अटैक कर रहा है, यह अटैक कर रहा है ई ई माइनस ई माइनस, और इसमें कौन सा चार्ज, क्या ऐसे ले लेते हैं एक्स और नेगेटिव चार्ज, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है दो। अरे बात समझ में, एक्स और कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पे दो, ठीक है। या ऐसे इसको बता सकते हैं हम लोग दूसरे तरीका से, दूसरे तरीका से भी हम लोग इसको बता सकते हैं। सी सी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ मैंने एक ले लिया इलेक्ट्रोफाइल जिसपे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे अपने पास क्या आ गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक किया, जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जहां बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है, यानी इसमें यह क्षमता है कि यह जो यहां पे जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यह इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करेगा जहां पे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो फाइनली यह प्रोडक्ट क्या बना दिया सी सी, और यहां पे और दे देते हैं, और यहां पे जुड़ गया आके। अरे थोड़ा सा बात समझ में, तो इसका डेफिनेशन ये लिख सकते हैं हम लोग कि वैसा समूह जिसपे इलेक्ट्रॉन से प्रीति हो तथा जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता हो उसे क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है, ठीक है। समय हो गया, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसको थोड़ा सा संक्षेप रूप में पहले डिक्टेट करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, और आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा क्योंकि 11th में भी आपको मिल चुका है। मैं फिर 12th में इस चीज को बता रहा हूँ, फिर इस चीज को समझा रहा हूँ क्योंकि इसका एप्लीकेशन मुझे 12th में मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने 11th में इसको देख चुका है, ठीक है। आप 11th का भी कॉपी देख लीजिए, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ, समझ में आएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देखिए इसको।